A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on the horizontal surface with the velocity of 4 meter per second square. It collides with a horizontal spring of force constant equal to 200 newton meter per second, meter inverse. Okay, the maximum compression produced in the spring will be. Okay, अपने को calculate करना है कि spring में maximum कितना release होगा. Okay, solve करते हैं. ओके तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल इनटू वन प्लस के बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल हाफ के एक्स मैक्सिमम जो एस स्प्रिंग में जो मैक्सिमम रिलीज होगा. ओके यहाँ वैल्यू फुट कर देते हैं एम एम इक्वल है यहाँ पे हियर एम इक्वल हो जाएगा 3 kg. ओके वी इक्वल 4 m/s एंड के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 1/2 फोर सॉलिड सॉलिड सिलेंडर सिलेंडर के लिए. ओके एंड के की वैल्यू है 200 न्यूटन मीटर. ओके तो वी मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर बाई के. ओके सारी वैल्यू फुट कर देंगे. फुट करने के बाद में जो एक्स मैक्सिमम आएगा वो आ जाएगा 0.6 मीटर. इसका मीनिंग अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.